दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन्स को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं
नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3 टेक की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जॉन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जॉन्स को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है, तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है।
वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार
से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वह रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऊपर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन्स को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वे बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ
लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी,
सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 3.5
टेक की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वह रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वे बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट।
जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन्स को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वे बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरीलाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन्स को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं
नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3 टेक की रेटिंग दी गई है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जॉन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जॉन्स को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है।
वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वह
रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऊपर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है
जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वे बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली
वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऊपर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 3.8
टेक की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वे बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट।
जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वे बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है, जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों तो जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जॉन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जॉन्स को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है, जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं
नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जॉन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जॉन्स को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वे बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है।
वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऊपर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वह
रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऊपर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है
जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वे बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा
इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 की ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वे बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 3
टेक की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वह रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट।
जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऊपर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वे बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों तो जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन्स को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और
पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से जमीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन्स को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे
रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वह बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी ए फ्लाइंग जेट मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए फ्लाइंग जेट मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाके रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 25 अगस्त 2016 में रिलीज की गई एक्शन एंड कॉमेडी मूवी ए फ्लाइंग जेट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रेमो डिसूजा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.1 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 43% तक ही फ्रेश बताया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 72% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, नाथन जोन्स, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, के मेनन, अमृता सिंह, अमृता पुरी, सुशांत पुजारी, गौरव पांडे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा G5 के ऊपर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी मल्होत्रा के मेनन ने झील के पास एक फैक्ट्री बनाता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है और जहरीला तत्व बाहर निकलता रहता है। वो तेज़ी से कचरे को बाहर करने के लिए एक पुलिया बनाना चाहता रहता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि वहाँ एक पवित्र पेड़ है।
जो डिल्लोन अमृता सिंह का है, जो अपने दो बेटों अमन टाइगर श्रॉफ और रोहित गौरव पांडे के साथ रहती है। अमन स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते रहता है, जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली कीर्ति पर लट्टू रहता है। मल्होत्रा पहले उसे परिवार से ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर बात ने बनने पर वो राका नाथन जोन से को ये काम देता है। वो उसे पेड़ को काटने के लिए आ जाता है और तभी अमन वहीं रहता है और वे रोकने की कोशिश करता रहता है। राका उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब वो उसे पेड़ को काटने जाता रहता है तभी बिजली गिरती है और वो उसे वे बहुत दूर फैक्ट्री के विषैले कचरे में गिर जाता है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो अमन आप को बिस्तर में पाता है और कोई चोट भी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि वो सब चीज़ उसके सपने में हुआ था। उसके बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वो छूकर किसी भी चीज़ से जानकारी प्राप्त कर लेता है। रोहित और उसकी माँ मान लेते हैं कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं और उसके माँ उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। राका जीवित रहता है और पहले से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। बाकी के कचरे से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अमन कई बार उससे लड़ने जाता है जब तक कि उसके बहुत बुरी तरह से चोट नहीं आ जाती। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।